वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। आज बात करेंगे आयुर्वेद क्यों फेल हो गया। मैं आयुर्वेद की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद का पक्का समर्थक हूँ, लेकिन आयुर्वेद का जो पद्धति है वो बहुत अच्छा है। आज बात करेंगे कि आयुर्वेद को बर्बाद कैसे किया गया। कहने आयुर्वेद का फेलियर का वजह आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद के खिलाफ जो साजिश किया गया वो कैसे कैसे किया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जानिए। पहले आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और योगा एक साथ था, और आयुर्वेद रिसेंट टर्म है, अंग्रेजों को के द्वारा दिया हुआ टर्म है। पहले चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा एंड योग, यही एक चिकित्सा का माध्यम था। और बहुत सारा किताब सुश्रुत और चरक वगैरह के द्वारा लिखा गया बहुत सारा किताब था, जो कि जिसको लोग बाद में आयुर्वेद नाम से अंग्रेज के द्वारा दिया गया। जबकि उस जमाने में, जिस समय की आज से समझिए 200 साल 300 साल पहले का बात है, या 500 साल या 1000 साल पहले जो भारत में चिकित्सा पद्धति थी उसको प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। और ये जो जड़ी बूटी वगैरह जो था उसका अलग से नाम नहीं था, और वो चिकित्सा काफ़ी इफेक्टिव था। उस जमाने में लोग को कोई बड़ा बड़ा बीमारी होता ही नहीं था, डायबिटीज और कैंसर किसको कहते हैं वो लोग को जानता नहीं था, और वो बीमारी होता ही नहीं था प्रायर। आप देखते होंगे इतिहास में इतना सारा युद्ध वर्णन होता है, युद्ध लड़ने का, राजा का मरने का, नया राजा आने का, लेकिन आप उस समय उस जमाने में किसी भी रेफरेंस में कोई बड़ी बड़ी बीमारी का आप नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस समय उस टाइप का बीमारी बहुत रेयर होता था। बीमारी तो तब शुरू हुआ जबकि हाइब्रिड भोजन शुरू हुआ, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बीमारियों का बाढ़ आ गया यहाँ पे इंडिया में। तो उसके बाद जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ, उस समय भी आयुर्वेद जो है और नेचुरोपैथ का जो डॉक्टर था उस समय वैद्य बोलते थे और वैदिक चिकित्सक वो लोग हुआ करते थे, वो लोग जड़ी बूटी का जानकारी रखते थे, और उसका साइंटिफिक चीज था नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी बेसिक साइंस था जिसके आधार पे सारा चिकित्सा होता था। तो क्या किया कि ये लोग भारतीय चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए नेचुरोपैथी को आयुर्वेद से अलग कर दिया, और जड़ी बूटी का जो ज्ञान था उसको एक अलग फार्माकोपिया में डाल के उसको वैदिक बात बताया गया। आयुर्वेद कोई मतलब पुराना टर्म नहीं है, ये अंग्रेजों को द्वारा दिया हुआ टर्म है। पुराना टर्म था अजुर्वेद, वो वेद पुराण का जो चीज़ था, ये अजुर्वेद का कंटेंट नहीं है। ये बेसिकली चरक संहिता और सुश्रुत वगैरह के द्वारा लिखा गया जो बुक था उसका कंटेंट को आयुर्वेद करके नया नाम दे दिया, जिससे कि इसके साइंटिफिक कंटेंट को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अब समझिए, जैसे कि साइंटिफिक कंटेंट जो होता है उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके ये कहा गया कि ये इतिहास की बातें हैं। इस तरह से नेचुरोपैथी को कम्प्लीटली ध्वस्त कर दिया, मतलब नेचुरोपैथी की पढ़ाई को टोटली बंद करा दिया इंडिया में। आज बहुत कम यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कि नेचुरोपैथी की पढ़ाई होती है, उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है जिस पर कि उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रायः जितना भी सरकारी यूनिवर्सिटी जो भी देखते हैं कहीं भी नेचुरोपैथी का पढ़ाई नहीं है। हम लोग जो अभी मेडिकल कॉलेज खोले हैं, आयुष मेडिकल कॉलेज, उसमें नेचुरोपैथी के लिए हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आश्रित रहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कोर्स कराती है उससे हम लोग एफिलिएशन लेते हैं, सरकारी कोई भी नहीं है। तो नेचुरोपैथी को बर्बाद कर दिया, और आयुर्वेद से जब नेचुरोपैथी को हटा लेंगे तो आयुर्वेद बिल्कुल ही फंक्शनलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल कलेक्शन ऑफ कुछ सूत्रा बन जाता है, कुछ सूत्र का कलेक्शन है, तो ये तब तक इफेक्ट, क्योंकि ये समेकित विज्ञान था नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, ये दोनों मिल के एक साइंस था, इस वजह से यहाँ का प्राकृतिक चिकित्सा यानी आयुर्वेद खत्म हो गया। बाद में अभी जो आयुर्वेद विकसित हो रहा है ये बहुत ही भेग तरह से हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो अशिक्षित लोग हैं वो आयुर्वेद का प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट किए हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जैसे उसमें स्वामी रामदेव हैं। स्वामी रामदेव जो है आयुर्वेद को ऊपर लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और भी बहुत सरकार भी
आयुष मंत्रालय बना के इसको धीरे धीरे ऊपर ला रही है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। और तब तक बेसिकली यदि आपको इलाज कराना है, यदि आप पूर्णिया नहीं आ सकते हैं, कहीं भी जाना इलाज कराना चाहते हैं, तो आप फोकस कीजिए नेचुरोपैथी पर। ये बात निश्चित है कि एलोपैथिक में आप ठीक नहीं होंगे, ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन यदि इलाज कराना है तो नेचुरोपैथी में जाइए। नेचुरोपैथी में इलाज संभव है, लेकिन नेचुरोपैथी भी आजकल बहुत ओल्ड आउटडेटेड हो चुका है, और उस पुराने ज़माने के नेचुरोपैथी में वो सब चीज़ को शामिल नहीं किया गया है। अभी हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ नेचुरोपैथी है, जिसमें कि मॉडर्न बीमारी, नेचुरोपैथी जिसमें विकसित हुआ उस समय ये सब बीमारी ही नहीं था जो सब बीमारी आजकल होता है। तो अब जो बीमारी मॉडर्न बीमारी में नेचुरोपैथी का क्या रोल है, वो अभी बहुत ही विकसित हो चुका है अमेरिका वगैरह में, जो कि जिसको मेटाबॉलिक चिकित्सा के नाम से उन देशों में जाना जाता है, वही चिकित्सा हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, किया है। और इससे प्रायः कैंसर, किडनी फेल्योर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज, ये सभी में जो रिजल्ट है वो बहुत ही मार्वलस है। इसीलिए आप लोगों को वेलकम है ये मॉडर्नाइज्ड ट्रीटमेंट में। धन्यवाद।